हाय गाइस, मैं राहुल और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, ना अच्छा लगे तो प्लीज़ डिसलाइक करें। और जैसा कि गर्मी बहुत है, मैंने एक मटके की वीडियो बनाई थी, मटके के ऊपर की कूलर के अंदर मटका रख के जो हम अच्छी कूलिंग ले सकते हैं। वीडियो लोगों को काफ़ी अच्छा लगा। आज का जो वीडियो वो भी गर्मी के ऊपर है। जैसा कि गर्मी बहुत है तो इसका असर मोबाइल फ़ोनों के भी ऊपर देखा जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट में ये देखिए मैंने दिखाया हुआ है कि जो मेरे MI के फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो इस टाइम 48-49 जा रहा है। जैसे कि गर्मी में क्या होता है कि फ़ोन जो है वो बहुत ज़्यादा हीट होने लग जाता है। और ऐसा ही एक केस अभी कानपुर में आया है कि कानपुर में शायद कोई शख्स, उसके पास MI का फ़ोन था, वो फ़ोन पे बात करते करते जो फ़ोन था वो बहुत ज़्यादा हीट होने लगा और फ़ोन से जो है धुआं निकलने लगा। जब धुआं निकलने लगा तो उसने जब इस चीज़ को देखा तो फ़ोन को जो उसने रोड पे फेंका और थोड़ी देर बाद ही उस फ़ोन में जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो दोस्तों बहुत सावधानी बरतें, फ़ोन जब ज़्यादा हीट होने लगे तो फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, खुद से थोड़ा दूर फ़ोन को रखें, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन में फ़ोन ब्लास्ट होता है तो आपका फेस, आपकी आँख, आपके फेस को जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो आइए बात करते हैं कि आज जब फ़ोन ज़्यादा हीट होने लगे तो क्या करें। जैसे कि मैंने आपको दिखाया मेरा MI का फ़ोन है, उसका टेम्परेचर 48-49 जा रहा है। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि जब फ़ोन ज़्यादा हीट होने लगे तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करें। और कानपुर की जो घटना है, ये जो मोबाइल वाला केस कानपुर से हुआ है, उन्होंने कहा है कि मैं कंज्यूमर फॉर्म जाके इसकी शिकायत करूँगा कि ये हादसा जो है ये बहुत बड़ा हो सकता था। तो आइए देख लेते हैं कि जब फ़ोन ज़्यादा हीट होने लगे तो हम क्या ना करें। पहली चीज़ दोस्तों ये कि आप जो लंबे समय तक जो मोबाइल कवर को है वो फ़ोन में ना लगे रहने दें। ऐसा होता है, हम लोग चार्जिंग में भी कभी कभी जो है अपना जो सेलफोन है उसे यूज़ करते हैं और इस कंडीशन में क्या होता है फ़ोन और ज़्यादा हीट होने लग जाता है। तो जब भी कोई हम हैवी ऐप या कभी भी मोबाइल चार्जिंग पर लगाओ और हमें यूज़ करना हो तो आप प्लीज़ मोबाइल कवर को अपने फ़ोन से निकाल दें ताकि उसे जो है थोड़ा एयर मिल सके, थोड़ा वो कूल हो सके। कवर जो क्या होता है पूरी बॉडी को फ़ोन की पैक कर देता है। तो इसीलिए जब फ़ोन ज़्यादा हीट हो या आप कोई हैवी ऐप जो एप्लीकेशन है उसे यूज़ कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन में जो मोबाइल का कवर है आप उसे निकाल दें। ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर वाले ऐप्स जो हैं वो अपने फ़ोन से डिलीट करते हैं। ऐसे ऐप्स बैटरी और डिवाइस को बहुत ज़्यादा हीट करते हैं। लंबे समय तक ऐसे ऐप्स को मोबाइल फ़ोन में ना रहने दें। और दोस्तों मोबाइल को ज़्यादा देर तक धूप में ना रखें और कभी भी धूप में खड़े होकर मोबाइल फ़ोन से बात ना करें, क्योंकि बात करते टाइम जो है जब कॉलिंग हो रही होती है उस टाइम फ़ोन और ज़्यादा बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है और जो बाहर का जो इन्वायरमेंट होता है उससे टेम्परेचर के हिसाब से उसमें और ज़्यादा ओवर हीटिंग होने लगती है। इसीलिए फ़ोन को धूप में ज़्यादा देर तक ना रखें। और दोस्तों फ़ोन को चार्जिंग पर यूज़ करते टाइम हमेशा इस बात का ध्यान रखें फ़ोन किसी ठोस चीज़ पर हो, किसी टेबल या किसी लकड़ी की ठोस चीज़ पर हो, ना कि आप सोफे पे रखें या आप किसी बेडशीट पे ना रखें। और जब आप फ़ोन को चार्जिंग में यूज़ करते हैं तो वैसे ही वो और ज़्यादा हीट हो रहा होता है और जब हम ऐप वगैरह को यूज़ करते हैं तो फ़ोन की जो ओवर हीटिंग होती है वो उसे और ज़्यादा बढ़ा देती है। ऐसी कंडीशन में जो है फ़ोन के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, खासकर जिनके पास MI के मोबाइल फ़ोन है वो एक कोड होता है वो नीचे आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, *#*# करके ये जो कोड है इसे आप डायल करके बैटरी इन्फॉर्मेशन पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आप बैटरी का टेम्परेचर चेक कर सकते हैं। अगर नॉर्मल 40-42 तक चलता है लेकिन इससे ऊपर जाता है अगर 44-47 तो ऐसी कंडीशन में आपको समझ जाना चाहिए फ़ोन आपका बहुत ज़्यादा ओवरहीट हो रहा है। जो भी ऐप्स हैं उन्हें हटा दें, सारी ऐप्स को क्लोज करके फ़ोन को लॉक करके किसी ठंडी जगह पर रखें, क्योंकि 48 के टेम्परेचर में आप कभी बॉडी या फ़ोन की टच करके देखिएगा फ़ोन आप अपने पॉकेट में भी नहीं रख पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं आपसे किसी अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।